आप लोगों को, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई सॉल्विंग दिस। So in the given figure, AB is a chord. This whole AB is a chord whose length is 16 centimeter of a circle of radius 10 centimeter. So radius is 10 centimeter, right? So that means this radius, this value OB is 10 centimeter, right? And if AB is 16 centimeter, let's say this point is, let us keep it C. So this will be 8 centimeter and BC will also be 8 centimeter. इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी, फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए। हमें लेंथ ऑफ पी ए निकालना है। सेम टाइप का क्वेश्चन हमारे कल हम लोगों ने एक किया था जो कि एग्जाम्पल में है, हम लोगों ने किया भी था वो क्वेश्चन। तो इसको फटाफट हम लोग को करके, है ना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। एक और हिंट दे दिया आपको, इसको कीजिए और सॉल्व करके मुझे दिखाइए। अपना अपना कैमरा ऑन कीजिएगा और तब दिखाइएगा जब दिखाना है, ठीक है। Everyone, please attempt it and show it to me. देखें पहले कौन करके दिखा रहा है, और पहले करने का मतलब सही करके कौन दिखा रहा है।
मेरा क्वेश्चन हो गया शो कीजिए सर, एक मिनट। आंसर क्या है शिव्या आपका? 40/3 सेंटीमीटर। बहुत सही, 40/3 करेक्ट आंसर है। Show me the method which you have taken. Yes, sir. और किसी का नहीं है? सो कैन यू सी द स्क्रीन? नहीं बेटा, आई एम नॉट एबल टू, ब्लैंक। सर आई हैव जॉइंड फ्रॉम अ सेकंड डिवाइस। अच्छा एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। पाइथागोरस थ्योरम डी, ठीक है वो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। So for everyone who have not been able to do, देखो ये 10 सेंटीमीटर था, ये 8 सेंटीमीटर था, तो OC सबसे पहले निकाल लेंगे। OC is equal to 10 square minus 8 square, 100 minus और का square root, 100 minus 64 is 36 का square root which is equal to 6 सेंटीमीटर। OC 6 सेंटीमीटर हो गया। ये X ले लेते हैं और इसको Y ले लेते हैं, राइट? तो अब PC is Y, AP is X by Pythagoras theorem. ठीक है। अब देखिए ये जो है, this was 10 सेंटीमीटर OA, ये CO 6 है, और ये जो AC है ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 है, ये 6 है और ये 8 है। तो अब अगर हम लोग इसमें यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल APC यूज करते हैं, तो APC वाला मतलब ये वाले ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में वी हैव x square is equal to y square plus 8 square और y square plus 64, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे वाले में अगर हम लोग पुट करेंगे ट्राइंगल ओ ए पी, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है, इन ट्राइंगल ओ ए पी अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर मतलब वाई प्लस सिक्स का होल स्क्वायर, OA स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे, y स्क्वायर प्लस 64 को पुट कर लो, मतलब
10 square plus y square plus 64. Right, so this is y square plus 36 plus 12y, 100 plus y square plus 64. Y square or y square cancel ho gaya. 12y is equal to 164 minus 36, 128. So y is equal to 128 by 12. 4, 3 is 32 upon 3. Y ka value 32 upon 3 hai. Aur hame pata hai, x is equal to root under y square plus 64. Matlab 32 by 3 ka whole square plus of 64. So 32 square is equal to 1024 plus 1024 plus 64 into 9. 576. By 9. 1600 by 9, so this is 40 by 3. The length of the tangent is AP, which is equal to x, that is 40 by 3. Clear, bachcho? क्लियर है बच्चों, लिख लिया सबने? यस सर। कल किया था तुम लोग को, सबसे बनना चाहिए ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये तो इजी है, करके दिखाइए सब लोग एक एक करके। सॉल्व करेंगे और अपनी कॉपी में शो करेंगे फिर। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, जल्दी कीजिए।
Sir, done. Okay, yeah. Now, sir, take hard one. AB is equal to BP लिख रहा है, AP is equal to BP लिखेंगे ना? और कोई साइड में कुछ नहीं कि क्या चीज किस चीज के वजह से, एक जगह बस लिख दिया। ऐसे एग्जाम में भी लिखोगे? नहीं सर। फिर चलो तो पूरा थोड़ा ध्यान रखो उस चीज का। हाँ ठीक है, ओके सर, क्वेश्चन सही सॉल्व किए। देखो इतना तुम है ना, सारे क्वेश्चंस तुम ठीक से सॉल्व करते हो, उसके बाद भी अगर नंबर पूरे नहीं आएंगे तो फिर तो तुम्ही को अफसोस होगा। सर आई हैव आल्सो अटेम्प्टेड। वेट अ सेकंड, लेट्स सी हियर। ठीक है, गुड। सर मैंने भी कर लिया, एक सेकंड में दिखा रहा हूँ। ठीक है अक्षत, ठीक है, ओके सर। सर आई हैव आल्सो सॉल्वड। सर आई हैव आल्सो डन। हाँ दिखा दीजिए बेटा। ठीक है, और दूसरे पेज में। अच्छा इस उतना ही था। हाँ ठीक है, यस सर। ठीक 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 और किसी का कोई और जो अपना शो करना चाहता है, दिखाना चाहता है जो उसने सॉल्व किया है? सी इफ यू डोंट पार्टिसिपेट फिर कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना? यू नीड टू पार्टिसिपेट एवरीवन। तो इस क्वेश्चन को जिन्होंने शो किया है उसको अगली क्वेश्चन में नहीं दिखाना है, अगले क्वेश्चन में जो लोग नहीं दिखाए ना उन सबको शो करना है। तो मेरे ख्याल से मनन है जो कभी नहीं दिखाते हैं मुझे कोई भी चीज, कीर्ति दिखाएंगी और आर्शिया कॉल दिखाएंगी और नयनिका। एंड नयनिका व्हाट हैपेंड टुडे, यू आर नॉट इन योर, यू ऑलवेज शो थिंग्स व्हेन यू डू। नो सर, आई एम डूइंग देम, इट्स टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। ठीक है, झलक भी दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर है। चलिए इसको मैं फटाफट बता दूं, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है, जिन्होंने सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है। सी यहाँ पे क्या था, PA एंड PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो दैट मीन्स लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, सो दैट मीन्स PA विल बी इक्वल टू PB। रीजन लिखेंगे लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point are equal in length। ठीक है, अब PA को हम लोग लिख सकते हैं, PA को लिख सकते हैं PL plus LA, और PB को लिख सकते हैं PN plus NB। अब हमें पता है कि PL plus LA को हम लोग लिख सकते हैं LM, है ना, और PN plus NB को लिख सकते हैं NM। क्यों? देखो अगर L एक्सटर्नल पॉइंट लोगे तो AL और LM इक्वल होगा, और उसी तरह BN और NM इक्वल होगा।
So AL is equal to LM and BN is equal to NM, right? So PL plus LM is equal to PN plus NM. यही हमें शो करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई डूइंग दिस. किसी का आया? सब बस होने वाला है. नहीं, इतने होशियार बच्चे हैं मेरे पास, क्या हो गया सब?
जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग। पार्टिसिपेशन नहीं है। झलक इशिता नयोनिका एंड अनन्या। The 2 minutes. Yes. You guys are capable of doing this question. Please do it and show it to me. सर आंसर 5 है क्या? आंसर क्या चीज का? एक्स का वैल्यू। हाँ आंसर 5 है शिव्या। ओके सर। पहले तुम कंफर्म करती हो आंसर फिर शो करती हो। हाँ सर मेरा भी आ गया आंसर 5। चलिए दिखाइए जो जिन्होंने जो भी कर लिया है शो कीजिए अभी। पहले वेदांश का देख लेते हैं क्या बनाया वेदांश तुमने। 30+x ठीक है ठीक है। वेदांश देख लिया और वही वो रेडियस भी होगा जो x का वैल्यू होगा ना। हाँ, वही रेडियस भी होगा। ओके सर। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर इफ यू ड्रॉ this, see because this is perpendicular, this is also 90, this is also 90, तो ये center मान लो O है, तो ये अगर तुमने x निकाला है, तो ये भी radius भी x के बराबर ही होगा, so x is equal to r is equal to 5 cm ही आएगा। Anyone else who is going to show? Sir, shall I show? Yeah. एक बार शिव्या का देख लेते हैं फिर इशिता आपका देखेंगे। एक्स एक्स लेके सॉल्व करो शिव्या। ये तो एफ एफ लेके क्वाड्रेटिक बनाओगे तो एग्जाम में तो पक्का गलती करोगी फिर। सही है इट्स गुड। गुड बेटा देख लिया। So should I also show you? Yeah, just a sec. I'll just look at Ishita's copy and then we'll look at yours. Ishita pass लिखा बेटा नहीं दिख रहा है। हाँ थोड़ा ऊपर लेके जाओ। हाँ पाइथागोरस थ्योरम एक बार दिखा दो। ठीक है इशिता। ओके सर। हु एल्स? नोयनिका। यस यस नोयनिका। Can you take it थोड़ा ऊपर? 7+x और ऊपर जाइए। ठीक है करेक्ट।
एनीवन एल्स इंटरेस्टेड टू शो झलक, तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही है और तुमको देख भी नहीं पा रहे, तुम्हारा सॉल्यूशन भी नहीं देख पा रहे. झलक आर यू देयर? यस सर. हाँ दिखाओ बेटा, कुछ लिखा तुमने? हाँ सर किया, पर मेरा आंसर सही नहीं आ रहा है. क्या गड़बड़ कर लिया तुमने? चलो अगली क्वेश्चन में तुमसे देखेंगे. अनन्या हैव यू बीन एबल टू सॉल्व इट? अनन्या चलो, जो जिन्होंने जो नहीं कर पाए उनके लिए देखो, ये एक्स हमने मान लिया, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये 30 सेंटीमीटर बीडी है तो ये भी 30 सेंटीमीटर होगा. टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट इज इक्वल, सो बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हो गया, और सी एफ इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है, लेट AF is equal to AE is equal to x centimeter ले लेते हैं. अब हमें पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा रहे हैं ट्राइंगल ABC में. इन ट्राइंगल ABC we'll have BC square is equal to AB square plus AC square. BC square as in 37 square is equal to AB square, that means 30 plus X whole square. AC square is 7 plus X whole square. अब इसको solve कर लेते हैं. 37 square का जो value है 1369. ओपन किया 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x, सो 1369 माइनस 949 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 74x, राइट? So this is 420 is equal to 2x square plus 74x. So this will give us x square plus 37x minus of 210 is equal to 0. X square plus 42x minus 5x minus 210 is 0. X into X plus 42 minus 5 into X plus 42 is equal to 0. So X minus 5 into X plus 42 is 0. X is equal to 5 or X is equal to minus 42. So ye to hoga nahi minus 42. X is equal to 5 centimeter. ठीक है? तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 5. इज इट क्लियर बच्चों? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है PO is perpendicular to QO, ये Q है. तो PO is perpendicular to QO, this is 90 degree.
This is again an easy question. सौ क्वेश्चन हो गया दिखा लो एक मिनट से गए ठीक है तुमने शॉर्टकट में काम चला लिया वैसे ठीक है जो तुमने किया वो ठीक है तो मेरा भी हो गया शो कर लो तुम भी वही शॉर्टकट मार दिए इतना कम लिखोगे एग्जाम में तुमको लगता है तुमको नंबर मिलेगा इसमें और क्या कर सकते हैं सर इस वाले क्वेश्चन में सर मेरा भी हो गया जो और हाँ किनका हो गया कौन दिखा रहे थे अर्शिया हाँ अर्शिया एक मिनट बेटा ठीक है ठीक है देखो इस क्वेश्चन में दो तरीके से कर सकते हो एक तो बच्चों ने क्या किया कि ये 90 डिग्री है ये टेंजेंट भी 90 डिग्री बनाएगा यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा राइट तीन 90 डिग्री हो गए ये भी 90 डिग्री हो जाएगा उसके अलावा ये इसके बराबर है ये रेडियस इसके बराबर है अब ये देखो कि चारों अगर 90 डिग्री है मतलब ये रेक्टेंगल है और इसका अगर एडजेसेंट पेयर इक्वल है तो ये स्क्वायर हो गया स्क्वायर का डायगनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होता है उसको यूज कर लिया हमने तो वो डायरेक्टली हम लोग प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं एक तो वो तरीका है दूसरा तरीका है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं ये एंगल सो जैसे यहां पर से अगर हम लोग ने ये पहले तो आप क्या करोगे ट्रायंगल POT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOT ठीक है कैसे PO और QO इक्वल PT और QT इक्वल और OT कॉमन हो गया है ना तो SSS कॉन्ग्रुएंस इससे आ जाएगा एंगल PTO इज इक्वल टू एंगल QTO राइट दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल अब हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल TPR and triangle TQR right we have TP is equal to TQ TR is equal to TR common or angle PTR
इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर. अब ये एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ट्राइंगल टी पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टी क्यू आर. ठीक है ना. इससे अब आ जाएगा एंगल टी आर पी इज इक्वल टू एंगल टी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड पी आर इज इक्वल टू क्यू आर बाय सी पी सी टी. क्लियर है बच्चों? लिख लिया सभी ने? क्लियर बच्चों? यस सर. ओके बच्चों, नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए. See, in this question, two tangents AB and AC are drawn to a circle with center O such that angle BAC is 120 degree. This angle is 120 degree. Prove that OA is equal to twice of OB. So, हम लोग को ये prove करना है कि OA is equal to twice of OB, right? तो देखिए simple है. यहाँ पे अगर ये पूरा 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, ये अगर 60 डिग्री हो गया, अब ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल इन
triangle OAB we have sir done cos 60 degree ठीक है cos 60 degree will be equal to AB और OA में निकालना है ना हाँ cos 60 degree is equal to AB by OA cos 60 degree क्या होता है 1 by 2 is equal to AB by OA और OA is equal to twice of AB ये करना था why will this be out of syllabus Noyanika Sorry, sir, I messed it up with some other question from another different chapter. This is there in the syllabus. This is not remote. Clear, bachcho? Clear, sabhi ko? Yes, sir. ठीक है. ठीक है, हम लोग यहीं पे रुकेंगे आज के लिए. तुम लोग खूब प्रैक्टिस करो करते रहो मतलब जो भी हमारे बुकलेट में है उसको प्लीज प्रैक्टिस करो नेक्स्ट क्लास से हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे रिवीजन फर्स्ट चैप्टर में तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है बट जो भी है मतलब वी विल स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ओके थैंक यू सर ओके बाय टेक केयर थैंक यू सर